ओम पितृदेवताब्य नमह स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर पित्र पक्ष श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं रोज आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है सुबह उठते ही स्नान करें उसके बाद में भगवान सूर्य देव को अर्घ दें उसके बाद में फिर आप पितृ पूजा करें तो भगवान सूर्य देव को जब अर्घ देते हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए सूर्य देव को अर्घ देते समय आप ओम भास्कराय पुत्रम दे महातेज से धीमे ही तन सूर इस पुत्र प्राप्ति मंत्र का जाप कर सकते हैं साथ ही ओम सूर्या नमा भास्कराय नमा आदित्य नमा मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं जब भगवान सूर्य देव को आप अर्घ दे रहे हूं तो उस समय जो लोटा है उसमें कुछ चीजें आपको डाल लेनी है ये चीजें डाल करके आपको लोटे में तैयार करनी है उसके बाद में आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है सूर्यदेव की तरफ आप एक दीपक भी जला सकते हैं दीपदान का विशेष होता है आप पितरों के नाम से देवताओं के नाम से दीपदान सुबह और शाम दोनों समय करें तो सूर्य देव को जब आप अर्घ दे रहे हो तो उस समय लोटे में कुछ चीजें आपको डाल लेनी है एक तांबे का लोटा ले लें उस लोटे में आपको जो भी लोटा आप ले सकते हैं वो ले लें उसमें आपको सादा जल भरना है सादा जल भरने के बाद में फिर आपको उसमें गंगा जल डालना है साथ ही आपको डालने हैं काले तिल देखो काले तिल का विशेष महत्व तो है काले तिल और आपको थोड़ा सा गाय का घी उसमें डाल लेना है गाय का घी डालना है और थोड़े से चावल उसमें डाल लेने हैं और आपको देव को अर्घ देना है देव को जब आप अर्घ दे रहे हो ये चीजें डाल करके तो उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो तामे का लोटा अगर आप ले रहे तो उसमें थोड़ा ही दूध डालें आधा चम्मच के करीब ज्यादा दूध उसमें ठीक नहीं रहेगा तो आप सूर्य देव को जब अर्घ दे रहे उस समय अपनी मनोकामना मन में ज़रूर बोलें और उसके बाद में फिर आप गौ माता की पूजा करें सूर्य देव को जब अर्घ दे रहे हों तो उस समय ध्यान रखें कि जो जल है वह सीधा जमीन पर ना गिरे और उसके छींटे आपके ऊपर ना पड़े इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है जब आप अर्घ दे रहे हो तो उस पात्र के नीचे आप कोई बर्तन रख दें जिससे जल उसमें गिरे उसके बाद में फिर आपको वहीं बैठ करके कर सकते हैं या मंदिर में जाकर कर सकते हैं पितरों के नाम से तर्पण करना है ओम सर पित्र देवताभ्यो तर्प्यामी तर्प्यनताम ऐसा कह सकते हैं आप और बोल करके आपको पितरों के नाम से जल देना है फिर आपको गोग्रास निकालना है तो आप ये उपाय जरूर करें आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी वंश वृद्धि होगी संतान का सुख मिलेगा पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो छोटे छोटे से ये उपाय प्रतिदिन आपको जरूर करने चाहिए ऐसे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बगल में आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए